हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 19 मार्च का शिफ्ट वन का पेपर करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन जो कल हम नहीं इंक्लूड कर पाए थे उसको इस से में इंक्लूड किया गया है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी अपडेट हम लोग करते हैं तो आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए हम लोग आज शिफ्ट वन का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एल्प्स माउंटेन रेंज पूछा गया था, इसका हाइएस्ट पीक क्या है? तो एल्प्स माउंटेन का हाइएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। ठीक है, ये एल्प्स माउंटेन है और ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि ये कहाँ पर है, तो ये यूरोप में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आया है कि व्हेन बांग्लादेश अडोप्टेड देयर नेशनल फ्लैग, बांग्लादेश अपना नेशनल फ्लैग कब अडोप्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 1972। एक चीज और आप देख लीजिए कि इससे और शिफ्ट में बांग्ला नेबरिंग कंट्री से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, तो हो सकता है कि पूछ दे कि इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म या फिर प्रेसिडेंट कौन है। अब्दुल हमीद है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना है, हाउस स्पीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, ये हिंदू है, श्रीन सरी सारिम चौधरी, ये चौधरी जी हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चीफ जस्टिस कौन है, तो ये सिर्फ देख लीजिएगा। और इसका हम एरिया भी बता दें क्योंकि पीछे के जो शिफ्ट हुए हैं उसमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका देखिए पॉपुलेशन से भी रिलेटेड आया है। तो टोटल एरिया इतना हो गया, वाटर इसमें वाटर परसेंट कितना है, 6.4, पॉपुलेशन 2016 में इतना है और 2011 में इतना था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक चीज़ को इसको देख लीजिएगा क्योंकि पॉपुलेशन और एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, बांग्लादेश का सबसे हाइएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो वो है कियो काडोंग। कियो काडोंग जो है वो हाइएस्ट माउंटेन है, 986 मीटर का है। और हम लोग का देखिए हिमालय कितना का है, नेपाल वाला 8848 का है, तो हिमालय से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे बांग्लादेश का हाईएस्ट पीक, क्योंकि श्रीलंका का हाईएस्ट पीक पूछा जा चुका है, तो बांग्लादेश का हाईएस्ट पीक पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है भारत नेट परियोजना से संबंधित, इसका बजट कितना था? भारत नेट परियोजना का बजट था 34,000 करोड़। ठीक है, और इसमें होगा क्या? देखिए, भारत नेट परियोजना एक बार फिर चर्चा में ये पढ़ लीजिए, और इसमें लिखा हुआ है कि सारे ग्राम पंचायत को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने के लिए ये परियोजना लाया गया है। और इसका एस्टिमेट है कि 2022 तक सारे गांव में ऑप्टिकल फाइबर को बिछा दिया जाएगा। ये करेंट का क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2017 तक देश भर में इतना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा लिए गए थे जो इतना ग्राम पंचायत कवर करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये किस लिए है? क्योंकि डिजिटल इंडिया से संबंधित है ये, और इसमें ऑप्टिकल फाइबर सारे गांव में बिछाए जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत का बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई लिजार्ड चेंजेस कलर, लिजार्ड अपना कलर क्यों चेंज करता है और किस लिए करता है? लिजार्ड अपने कलर को लाइट, टेम्परेचर, मूड, हेल्थ और रीजन, लिजार्ड इस सब चीज़ों के कारण अपने कलर को चेंज करता है। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है और जो भी ऑप्शन होगा उसके अनुसार इसको टिक मारना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपरसोनिक पैराशूट टेस्ट, भाई देखिए मार्स 2020 मिशन के लिए, नासा का जो मार्स 2020 मिशन है उसके लिए सुपरसोनिक पैराशूट नासा टेस्ट किया है। तो ये कौन टेस्ट किया है? तो ये नासा टेस्ट किया, और किस कब के लिए किया है? 2020 के लिए। ये भी करेंट का क्वेश्चन हो गया। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज इन विच आर्टिकल, देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब सारा का आर्टिकल जो है आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन है, राइट टू लाइफ का आर्टिकल कौन है, ठीक है, ये सब प्रेस का आर्टिकल कौन है, ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया है 5 ईयर प्लान से, ये लगातार 8 से 9 बार क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से आ गया है। ये क्वेश्चन नहीं पता चला मगर एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से आया है। मराठा किंगडम में हेड कौन था? तो ये थे पेशवा। पेशवा आप लोग देखे होंगे, बाजीराव जिसमें पेशवा होते हैं वो मराठा किंगडम के चीफ मिनिस्टर बोले जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर पुलिस, तो देखिए ये ऑप्शन के अनुसार माना जा सकता है क्योंकि इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं था, तो ऑप्शन रहता तो पता चलता कि कौन सा कंट्री इम्पोज किया। इसका अगर किसी को आंसर मिले तो कृपया करके कॉमेंट बॉक्स में उसको लिख दे। देखिए म्यूनसिपल अमेंडमेंट, ये तीसरी बार क्वेश्चन आया म्यूनसिपल अमेंडमेंट से, म्यूनसिपालिटी अमेंडमेंट से, और इससे रिलेटेड हम पीछे के वीडियो में आपको बता चुके हैं सारा फैक्ट्स, कौन से पार्ट में है, कौन से शेड्यूल्स में है,
क्या अमेंडमेंट है इसमें, कौन कौन सा आर्टिकल है। अगर आप मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देखिए और म्यूनसिपालिटीज अमेंडमेंट के बारे में पता चल जाएगा। और पंचायती अमेंडमेंट में भी क्वेश्चन आ रहा है, जो 73 अमेंडमेंट है 1992 का, तो वो भी पीछे के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देखिए। इसका आंसर हो जाएगा 74 अमेंडमेंट 1992। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ इन नवंबर 2017। देखिए इसमें अब ये क्वेश्चन में पता नहीं चला है कि इंडिया के बारे में पूछ रहा है या इंटरनेशनल पूछ रहा है। यदि इंडिया के बारे में पूछता तो ये डीएलएफ हो सकता था। डीएलएफ थर्ड नंबर पर है आईपीओ के, आईपीओ आईपीबी के अनुसार, ठीक है। आईपीओ है यहाँ पर आईपीओ के अनुसार, ठीक है। तो इस होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और स्टॉक मार्केट लॉन्च इन ए टाइप ऑफ पब्लिक ऑफरिंग इन विच शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड यूजली ऑल्सो रिटेल इन्वेस्टर्स इन आईपीओ अंडर रिटन बाई वन और मोर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हु ऑल्सो अरेंज द शेयर टू बी लिस्टेड ऑन वन और मोर स्टॉक। देखिए इसमें क्या हुआ आईपीओ में, कि जो प्राइवेट शेयर था ना उसको बेचा जा रहा है, बेच के पब्लिक पब्लिक में लाया जा रहा है, पब्लिक उसको पब्लिक में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, प्राइवेट शेयर को पब्लिक में बेचा जा रहा है, पब्लिक के स्टॉक मार्केट के थ्रू इसको पब्लिक में बेचा जा रहा है। और एक चीज और याद रखिएगा कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का एक और नाम है स्टॉक मार्केट लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, तो सारे आईपीएल ही, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है और पीछे वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चीफ जस्टिस का सैलरी, ये कल के सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था कि चीफ जस्टिस का सैलरी होगा, तो आप उस वीडियो को देखे होंगे तो उसमें चीफ जज का सैलरी बताया गया। कल नहीं, 2 दिन पहले ये क्वेश्चन आ चुका है चीफ जस्टिस का, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2.8 लाख पर मंथ। आप चीफ जस्टिस मतलब स्टेट का भी देख लीजिए, जज का कितना होता है, 2.5 होता है, तो आप एक बार उसे देख लीजिए। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल अवार्ड, अब इंटरनेशनल अवार्ड में क्या पूछा गया ये तो नहीं पता है, इसको देख लीजिए। देखिए डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रिलेटेड टू, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे रिलेटेड था, डलहौजी से। देखिए इसमें एक चीज और हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि इसमें इस शिफ्ट का क्वेश्चन है, और कल जो 18 का कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं शिफ्ट का, वो क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूडेड कर दिए हैं, ठीक है। बैरम खान रिलेटेड टू विच किंगडम, तो बैरम खान अकबर से रिलेटेड थे। लंदन कौन से रिवर पर है, तो थेम्स रिवर पर है, ये एसएससी में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ड्यूरिंग राणा प्रताप पीरियड हु इज रूलर ऑफ मुगल, राणा प्रताप के समय में कौन था, बाबर, ठीक है। और इसमें बैरम खान किससे रिलेटेड थे, तो अकबर से। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और देखिए उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, और ये महात्मा गांधी के साथ सोल्ट सत्याग्रह में 1930 में शामिल हुई थी। व्हाट इज सुपरनोवा, देखिए सुपरनोवा होता क्या है, तो सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा इज ए ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द लास्ट स्टेलर इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ मैसिव स्टार लाइफ हुज डिस्ट्रक्शन इज मार्क्ड बाय वन फाइनल टेक्टोनिक एक्सप्लोजन। दिस कॉज द सडन अपियरेंस ऑफ ए न्यू ब्राइट स्टार बिफोर स्लोइंग डाउन एंड फ्लेडिंग फ्रॉम द साइट ओवर द सेवरल वीक्स एंड मंथ। इसमें होता है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा मैसिव स्टार जो है वो डिस्ट्रक्ट होता है और एक लाइट लिबरेट करता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट लिबरेट करता है, उसके बाद धीरे धीरे ये खत्म होने लगता है, उसी को कहते हैं सुपरनोवा। और ये सबसे पहली बार कोई अभी सुपरनोवा से क्वेश्चन आया है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चला है ऑप्शन के अनुसार, तो इस चीज़ को देख लीजिए कि वेल्टर बेड जो थे इस चीज़ को क्वाइंट किए थे, और फिट्स जीवी जीवी की, और कब किए थे, 1931 में। गगन नागर से आया है, इससे क्वेश्चन हर बार आ रहा है कि कौन से एक पर्सन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप देखिए गगन नागर शूटिंग से रिलेटेड है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीता था, ठीक है, 2012 में। ये व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2, तो विटामिन B2 का जो नाम है वो राइबोफ्लेविन होता है। तो देखिए यहाँ पर सारा दे दिए हैं, विटामिन 1, B3, देखिए थाइमिन, राइबोफ्लेविन, B3 कनेसिन नाम है, B5 पैंथोनिक एसिड, B6 B7 बायोटिक, B9 फोलिक, B12
देखिए B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसको भी देख लीजिएगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसको साइनोकोबलामाइन नाम है इसका। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, विटामिन ए को रिटानॉल बोलते हैं, ये सारे चीज़ एक बार आपको याद होना चाहिए। डी को क्या बोलते हैं, ई को टोकोफिरोल बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, इससे कौन सा रोग होता है ये पूछा जा रहा है बार बार, तो इससे आप पूरा इसका डाटा एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब विटामिन से क्वेश्चन आदि आने चालू हुआ है, तो हर शिफ्ट या हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये आपको देखने मिलेगा, तो हम पूरा डाटा प्रोवाइड किए हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्किस्तान, तो देखिए कैपिटल अभी पूछा जा चुका है, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, म्यांमार का, तो अब तुर्किस्तान का, तो टस्केंट जो है इसका कैपिटल है। और एक क्वेश्चन और आया था, आरबीआई अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज, किसको अपॉइंट किया है, तो मल्लिका सिन्हा को किया है, अप्रैल 2017 का करेंट अफेयर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर माई चैनल एंड प्लीज कॉमेंट इफ यू लाइक।